नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जनपद अमरोहा के गजरौला में आज भाजपा कार्यकर्ताओं की सीएए के संबंध में बैठक हुई, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष ने सीएए के संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के क्षेत्र गजरौला में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति ने मोहल्ला अलीपुर भूड में राजा राम सैनी के प्रतिष्ठान पर सिटीजन कमिटमेंट एक्ट 2019 के संबंध में जानकारी देते हुए साथ ही धारा 370, 35A, 3 तलाक, राम मंदिर व बजट आदि पर उपस्थित जनता को विस्तार पूर्वक संबोधित किया। बैठक में उन्होंने भाजपा सरकार की कार्य प्रणाली को भी विस्तार पूर्वक बताया। इसके साथ ही मोदी जी के समर्थन में सबको 8862 8862 नंबर पर मिस्ड कॉल करने की बात कही, जो देश हित में अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं से युगों युगों तक भाजपा का साथ देने की अपील की। बैठक में भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम सिंह प्रजापति, महामंत्री अंकुर नागर, जगत सिंह सैनी, राजकुमार सैनी, राजा राम रवि सैनी, कलुआ सिंह पाल, नंदू सिंह रावत, नीरज रावत, ओमवीर प्रजापति, अमरपाल सिंह प्रजापति, पिंटू प्रजापति आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से काविंदर सिंह की रिपोर्ट। अन्य पार्टी के नेताओं के उकसावे में आके वो कह रहे हैं कि हेलो, धारा 370 नागरिकता संशोधन अधिनियम ये हमारे खिलाफ है, हमें नागरिकता नहीं देता। जब हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमें डर कैसा, और जब हम डर हैं तो यहाँ के नागरिक कैसे, एक बात ये हो जाती है। और जब पता है कि हम भारत के नागरिक हैं और हमें यहाँ खुली आज़ादी है, हम अधिनियम 2019 जो संशोधन अधिनियम कानून ये बना है 2019, इसका हम पालन करते हैं और इसकी हम मान्यता करते हैं, और इसे हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा और सच्चा कानून बना के देश हित में बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसकी हम सब लोग सराहना करते हैं।